बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं खालिद हुसैन मुगल, एक्स सरपंच, पंचायत हल्का माड़ा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है हमारा कि जो डेवलपमेंट वर्क्स मेरी पंचायत के अंदर चल रहे हैं उनके बारे में रोशनी डालना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा JJM स्कीम के बारे में। ये जो जल जीवन मिशन है, गवर्नमेंट इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े बड़े दावे कर रही है कि हर गल एक नल होगा, पानी चलेगा, सब लोगों को पानी की सहूलियत मिलेगी। और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना था जिसको सैंक्शन भी मिली, टेंडर्स भी हुए और फील्ड में काम भी शुरू हुआ। और ठेकेदार साहिबान जो हैं वो इतने लापरवाही से उन्हें काम ले रहे हैं और इतनी नेग्लिजेंसी उन्हें बरती है जिससे कि लगता है कि गवर्नमेंट का सारा जो फंड्स, जो गवर्नमेंट का मकसद था हर घर में जो नल देने का, वो बिल्कुल फेल्ड और फ्लॉप जो है नज़र आ रहा है। हमने शुरू में महकमा से भी ये रिक्वेस्ट की थी और जो कंसर्न ठेकेदार था, बल्कि ठेकेदार से हमारी बात नहीं हुई, उसने जो आगे अपने चमचे लगाए हुए हैं, सबलेट किए हुए हैं काम, वो लोग हमसे मिलते थे। तो शुरू शुरू में हमने उनसे ये कहा था कि जो हमारे गांव में एक हार्ड जोन पड़ता है, कुछ सॉफ्ट जोन भी आते हैं उसमें, हार्ड जोन मान लो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, जहाँ से ग्रेविटी लाइन लगानी थी, हमने ये रिक्वेस्ट की थी उनसे कि उन एरियाज में आपने पाइप्स जो हैं उनको प्रॉपरली जो है बिछाना है, क्योंकि इससे पहले का एक्सपीरियंस ये है कि जब भी लाइनें लगती हैं, अगर वो लाइनें जो हैं पूरी तरह से टेक्निकली जैसे होता है, अगर उस हिसाब से ना लगाई जाएं तो वो बर्फ़ की वजह से पाइप जो है फट जाती थी और हर साल हमें एक मुसीबत पड़ती थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हर ये इतने फंड्स तो नहीं होते कि हर साल जो है एक एरिया को या एक ही लाइन को बार बार रिपेयर करे। तो हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर पाइप लगाई है उसको बिल्कुल ज़मीन नालियाँ जो थी, जो ड्रेन्स निकालनी थी उनमें पाइप को बिछाने के लिए, वो प्रॉपरली नहीं निकाली है और जो है हवा में ज़मीन के ऊपर जो है पाइप लगाई गई है, जिससे लगता है कि ये पाइप जो है इसी, मेरे ख्याल में जो लगी हैं तो इसी बर्फ, जो बर्फ़ पड़ी है उसी में सारी उखड़ गई होंगी या वो पाइप फट गई होंगी। तो पूरी तरह से जो है ना ये फेल स्कीम जो है माड़ा के अंदर, मेरी पंचायत के अंदर पूरी तरह से जो ठेकेदार है या उसके साथ में महकमा को भी दोष दूंगा कि महकमा का काम होता है, एक सुपरवाइजर का काम होता है कि वो प्रॉपरली सुपरवाइज करे वहाँ पर जाकर। अगर हम जब सुपरवाइजर से बात करते हैं तो सुपरवाइजर ये कहता है कि वो ठेकेदारों की वकालत करता है, आगे से तो लगता है कि ठेकेदार और सुपरवाइजर और महकमा मिलके जो है ना हमारी स्कीम को बिल्कुल फेल और फ्लॉप बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का पैसा जो है ये पूरी तरह से मिस अप्रोप्रिएट हो रहा है, उसका कोई लाभ आज तक एक घर को भी नहीं मिल पाया है। तो मेरी गुजारिश है वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, जो कि एक नहायत ही अच्छे और ईमानदार ऑफिसर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मामले पर जो है वो सख्ती से जो है काम लिया जाए और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ठेकेदार साहिबान इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं और इतनी नेग्लिजेंसी के से क्यों काम ले रहे हैं। तो हमारी गुजारिश रहेगी आपकी विसादत से, मीडिया की विसादत से, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर DC साहब और जो एक्सिन साहब हैं, उनको भी पर्सनली जो है पैन लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, एक स्कैम बन रहा है। हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर इनको, हम विजिलेंस हो या और भी जो अदारे गवर्नमेंट के जो काम करते हैं, हम उनमें ये बात ले जाएंगे। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे थे कि ये ठेकेदार सुधर जाएंगे, महकमा सुधर जाएगा, लोकल ऑफिसर सुधर जाएंगे, ताकि हमें कोई बड़ा जो है भारी कदम ना उठाना पड़े। इसके लिए हम इनको कोर्ट में भी घसीटेंगे, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो महकमा हो,
क्योंकि हमारा गवर्नमेंट एक तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए दे रही है कि लोगों को घर घर में पानी मिलना चाहिए, तो उसका ये अगर मिसयूज करें, मिसअप्रोप्रिएट करें, तो मेरी स्पेशली जो है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की विसादत से डिप्टी कमिश्नर पॉइंट से गुजारिश है कि वो इसके इस पर नज़रसानी करें और सख्ती से इस पर जो है वो कार्रवाई करें, ताकि हमारा जो लोगों का जो गवर्नमेंट का मकसद है और जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात है वो लोगों को प्रॉपरली मिल सके। मैं इसके साथ ही आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर डी साहब और LG एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर पूरी तरह से संज्ञान लेगी और जो कल्प्रिट हैं उनको इनकी उसकी सज़ा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे सरपंच साहब ने ब्रीफ किया है JJM स्कीम के तालिक से, तो ये सबको पता है कि जो JJM स्कीम जो है ये सरकार ने इसलिए लॉन्च की थी ताकि जो भी लोग जिनके घर में पानी नहीं है तो घर घर नल जो है गवर्नमेंट ने पहुँचाना था। और JJM स्कीम का ये एक मेन मोटो उनका 2024 एंडिंग तक जो है इसको इस ये टारगेट अचीव करना है कि JJM के स्कीम पर सबको पानी मिलना चाहिए। लेकिन मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, जो कि मैं लंबी नहीं खींचूंगा इसको। अब हमारे गांव के अंदर 3,43,00,000 का एक प्रोजेक्ट बना था, वो सेंक्शन भी हुआ, जिसमें से पहले पार्ट का जो है 96 लाख का जो टेंडर लगा था वो टेंडर मिला है ओम साई को, एक फर्म है, बिहार की फर्म है, उसको वो टेंडर मिला है। जब उसने काम स्टार्ट किया तो आज तक वो ठेकेदार जो है उसका, जो फर्म का जो मालिक है, वो आज तक हमारे उस गांव में नहीं गया। उसने वो काम दिए आगे, छोटे छोटे काम जिसमें सप्लिट कर किया काम, और वहाँ के लोकल जो बच्चे थे उनको काम दे दिया। और वो जो काम इस वक्त हो रहा है वहाँ, जो टैंक्स बन रहे हैं जिसमें काफ़ी 2-3 टैंक जो ऐसे हैं जो वहाँ का लोकल नाले का मटेरियल लग रहा है, उसकी हमने वीडियो भी बनाई है, लोकल नाले की बजरी लग रही है जो नरेगा के काम में नहीं लगती। नोकर नाले का रेता लग रहा है, वो आपको सामने दिखाई देगा, जो कि बनने के बाद जो है उसको वहाँ जो है हिलाया गया उस सरिये को, और वो सारा जितना मसाला था वो नीचे उसका उखड़ के नीचे आ गया। उसके तालक से मैंने एग्जीन साहब से भी बात की, जो हमारे रियाज साहब थे, मैंने उनसे भी बात की, मैंने SC साहब से भी बात की कि ऐसा काम हो रहा है, ये सब्सिडेंट काम हो रहा है, तो क्यों गवर्नमेंट का पैसा, ये पब्लिक मनी है, हमारे टैक्स का पैसा है, गवर्नमेंट अगर उसको हमें वापस हमारे फायदे के लिए दे रही है तो इसका मिसअप्रोप्रिएट क्यों हो रहा है, आप इस पर एक इंक्वायरी इनिशिएट करो। तो SC साहब ने एग्जीन साहब को कहा कि आप इसमें इंक्वायरी करो, लेकिन उसकी इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। मैंने उनके व्हाट्सएप पे भेजा। उसके बाद मैंने जो आज हमारे रशपाल जी हैं जो नए एग्जीन साहब आए, मेरी अभी बाई फेस की मुलाकात हुई, मेरी टेलीफोनिकली इनके साथ बात हुई, मैंने इनको भी वीडियो भेजी, मैंने कहा ऐसा हो रहा है तो आप इसकी एक, इन्होंने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा मैं इस फर्म के खिलाफ एक्शन करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसा मटेरियल तो नहीं लगना चाहिए था ये वो। लेकिन इस वक्त तक लगभग मेरे ख्याल में 20 दिन गुजर चुके हैं, कोई एक्शन उस पर नहीं हुआ। उसके बाद जो पाइपें जो बिछाते हैं, हम कहते हैं कि जो BOQ में जो आइटम्स हैं उसके मुताबिक काम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो पाइपें, चलो जहाँ पर हार्ड रॉक आती है वहाँ पर पाइप सामने आएगी, लेकिन जहाँ पर सॉफ्ट रॉक है वहाँ पर जैसा एस्टिमेट बना है, जहाँ पर BOQ जो उसमें जो मेजरमेंट उसकी दी गई है, तो उसी के मुताबिक उसका जो टैंक निकाल के उसमें पाइप दबानी चाहिए। लेकिन वो ज़मीनों में भी उन्होंने क्या किया, पाइपें 2-2 इंच पाइपें नीचे करके ऊपर से मिट्टी उसमें रखती। ये पाइपें बाद में हमारे 40 सुनने में आ रहा है कि 40 साल पहले एक लाइन बची थी, CC एक पाइप नहीं मिलती है, कागज में वो लाइन चल रही है, लोग उखाड़ के ले जाते हैं। तो JJM स्कीम जो है इसका मतलब गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे DC साहब में किस्मत से ऐसे DC साहब मिलते हैं किसी को, जैसे ये काम करते हैं किस्मत से किसी डिस्ट्रिक्ट में ये जाते हैं, आवाम को मिलते हैं, बहुत काम करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, लेकिन मैं खाना खाऊंगा, मुझे अपने पेट की भूख मिटेगी तो मैं कहूंगा कि मुझे किसी ने खाना दिया। मेरा DC साहब से गिला रहेगा हमारी आवाम की तरफ से कि आप हर जगह जाते हैं, आप स्पॉट पर पहुँचते हैं, आप एक्शन करते हैं, लेकिन हमने 2-3 जो मुद्दे आपके सामने लाए, आप उस स्पॉट में हमारे पंचायत में आप नहीं गए, आपने ऊपर एक्शन नहीं किया, ये हमारा गिला रहेगा आपसे। आप चले भी जाएंगे तब भी हमारा आपसे गिला रहेगा कि आपने हमारे 2-3 मसले जो मैं अलग से बयान करूंगा, करोड़ों रुपए का वहाँ पे मिसअप्रोप्रिएशन हुई है, सबस्टैंडर्ड काम हुए हैं, वो हथकड़ियाँ लगने वाले काम हुए हैं, जेलों में जाने वाले काम हुए हैं, लेकिन उस तरफ ना DC साहब ने तवज्जो दी, हमारे किसी भी मसले पर गौर किया,
ना जो मुतलका ऑफिसर जो उनके हेड थे डिपार्टमेंट के उन्होंने किया, ना एलजी इंतजामिया ने किया कि हम भी इस जाके इस पर इंक्वायरी करें। अगर मैंने ग्रीवेंसी सेल में मैंने एक मामले के बारे में मैंने लगाई कंप्लेंट की, इस वक्त तक उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला है। तो मैं अलजी साहब को भी ये कहूंगा कि अब ग्रीवेंसी सेल में भी आप जो है रखा है कि अब लोगों को सहूलत मिलेगी तो ग्रीवेंसी सेल को बंद कर देना चाहिए। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता, जिसका बेनिफिट पब्लिक को नहीं मिल रहा है, तो उस सेल को रखना क्यों है? उसको बंद कर दो, वक्त ज़ाया होता है। तो मैं बिलखसूस आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके माध्यम से मैं जनाब डीसी साहब को, एक्जिन साहब को, मुतलका जो एससी हमारे हाइड्रोलिक सर्कल के उनको, एलजी इंतजामिया को ये हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो माड़े में जो जेजेएम स्कीम के तहत जो काम हो रहा है उसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, स्पॉट वेरिफिकेशन की जाए, और जो भी लोग इसमें गलत पाए गए, फर्म है, अगर फर्म ने गलत काम किया है तो फर्म का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उसके रिकवरी होनी चाहिए, इसका टेंडर रिटेंडरिंग होनी चाहिए। तो अगर वो सही निकलता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, या हम ये साबित करेंगे कि उन्होंने गलत किया है, तो या वो साबित करेंगे कि हमने गलत स्टेटमेंट दी है। अगर सही है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, डीसी साहब से भी और जो हमारे एजेंट साहब हैं उनसे भी, कि आप विद इन द डेज जो है, मैं कहता हूँ आज रमजान में नहीं, ईद के दूसरे तीसरे दिन आप एक इंक्वायरी ऑफिसर भेजो कोई जो स्पॉट वेरिफिकेशन करेगा, हम साथ चले गए, हम जो है उनको निशानदेही करवाएंगे कि ये काम हुए हैं। अगर वो उसको टेक्निकली पास करते हैं तो बीए को साथ रखें, उसके एस्टिमेट अपने साथ रखें। इसके उसके अलावा मैं एक बात और जिक्र करता हूँ चलूँ आपके साथ। मैंने एक आरटीए लगाई इनको इसी जेजेएम के स्कीम के बारे में, इनने एक पॉइंट की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो तोड़ मोड़ के उसका जवाब देते हैं। मैंने कहा कि जो भी आपने बिल पास किए उसके मुझे एमपी चाहिए, उसके मुझे बिल्स चाहिए, उसके मुझे वर्क रजिस्टर चाहिए, तो उनने मुझे नहीं दी। इसलिए नहीं दी, वो कहते हैं जी अभी हमें जो जेई और एई हैं उनने अभी हमें नहीं दिए वो कागज बना के। क्या साल या डेढ़ साल के अंदर क्या इसमें बिल कोई पास नहीं हुआ है पीएचई में? बिल कितने निकले बिल होंगे? पार्सली बिल तो उनने जो सीसी फर्स्ट सीसी फर्स्ट सेकंड निकालते तो होंगे बिल, लेकिन उन्होंने इसको कैमोफ्लेज करने के लिए कि सच्चाई सामने आ जाएगी, हम पकड़े जाएंगे, हमें हथकड़ी लगेगी। जेजेएम स्कीम जो है ये बाकौल एससी साहब जो है उनने एक मुझे कहा था, जब मेरी उनके साथ मीटिंग हुई थी उनने कहा था कि जेजेएम स्कीम जब फाइनल हो जाएगी, जब मैं फील्ड स्टाफ पूरी रिपोर्ट दे देगा कि हमने क्लियर कर दिया 100% हमारी कंप्लीट हो गई है ये, तो उस वक्त हमने गाँव में जाना है, गाँव में जाके हमने पूरी गैदरिंग करनी है, लोकसभा करनी, ग्राम सभा करनी है। ग्राम सभा में हम जब एक भी बंदा कह देगा कि मुझे घर में नलका नहीं मिला तो हमारी स्कीम फेल है। अभी तो मैं कहता हूँ कि इन्हें शुरू से ही उसको उसका जो है नॉन कमीशन एप्लीकेशन करना शुरू कर दी और नुकसान करना शुरू कर दिया। तो इस पर मैं कहता हूँ कि इनिशिएटिव आज ही ले लें ताकि शुरू से ही अभी कार्रवाई हो जाए, तो आगे तक ये बाकी जगहों पे तो स्कीम कम से कम मैं देखता हूँ लोरन से भी इनका एहतियाज होता है, बायला से भी एहतियाज हुआ है, दाएँ बाएँ सब हर जगह पर इनकी स्कीम जो है ये जेजेएम फेल है। तो ये रिक्वेस्ट हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इस पर एक इंक्वायरी बिठाएं और पूरी तहकीकात करके और जो इसमें कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आवामी पुंछ के लिए एक खुशखबरी, भारतीय सेना में अपनी शानदार खिदमत अंजाम देने के बाद भारत मां के एक सपूत रिटायर्ड कैप्टन ज्ञानचंद जी एक बार फिर सीमावर्ती जिला पुंछ के लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं, जिन्होंने आवामी पुंछ को आला मयारी और सस्ती तिब्बी खिदमत यानी बेहतरीन और चीप मेडिकल फैसिलिटीज देने की गर्ज से शहर पुंछ के एन करीब गांव कलोनिया में खोला है 20 बेडेड द राइज हॉस्पिटल। जी हाँ, द राइज हॉस्पिटल, जहां पर ओपीडी के अलावा ऑपरेशन थिएटर, एमरजेंसी आईसीयू, एक्सरे, पोर्टेबल एक्सरे और क्वालिटी मेडिसिंस 24 घंटे दस्तयाब है। याद रखें, जल्द ही द राइज हॉस्पिटल कन्हैया में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड्स के जरिए भी इलाज मुआवजा शुरू होने जा रहा है। द राइज हॉस्पिटल कन्हैया, मजीद जानकारी के लिए इस फोन नंबर पर रابطہ कायम करिए। फोन नंबर है 7876813951। रिटायर्ड ऑर्डिनरी कैप्टन ज्ञानचंद, ऑनर राइज हॉस्पिटल कुनिया पूंछ। ये सेटअप हमने पूंछ के लोगों के लिए, पूंछ की आवाम के लिए खुला हुआ है। यहाँ 24 घंटे हर फैसिलिटी है
कोई भी आदमी 24 घंटे अपना इलाज करा सकता है। मैंने सेना में 30 साल नौकरी किया, सेना से रिटायर होके हमने ये हॉस्पिटल खोला है। तो हम लोगों के सेवा करना चाहते हैं, कोई भी गरीब हो या अमीर हो, कोई जो भाई पूंछ का अपना इलाज नहीं पैसे से करा सकता, उसको हम निःशुल्क भी सेवा करेंगे। और जो लोग पूंछ में, ये भी ये बात है कि जितने लोग जम्मू में रजौरी में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में आएँ, देखें, हमारे रेट लिस्ट लगी है, कोई भी किसी कोई कमी नहीं है, 24 घंटे डॉक्टर तैयार बैठे हैं। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और देखें और अपना इलाज कराएँ। धन्यवाद।